बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। और लेटेस्ट खबर तो ये है कि मिकी बड़ा परेशान है। पूजा मैं तुझे आधे घंटे का समय देता हूँ, अगर आधे घंटे में तू इधर घर नहीं आई ना तो मैं उधर तेरे कॉलेज में आके तेरे और तेरे संजय गुलाटी के दोनों के हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाँ गुड्डी, तू ना अपने पूरे गैंग को लेकर सनराइज रेस्टोरेंट आ जा। तेरा मतलब कि मैं, सीम्स, पूजा और सूर्या सनराइज रेस्टोरेंट पहुंचे? जल्दी आ, मैं वेट कर रहा हूँ। अब देखिए आगे। बेटा 5 कॉफी। हाय 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 हाय, फर्स्ट क्लास। जब भी मौका मिलता हो यार तुम तो शुरू हो जाते हो, भूलना मत ये मीटिंग मेरे और मिकी को मिलवाने के लिए बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट का बिल भी तेरे नाम पे ही फटना है। वैसे यहाँ की कॉफी बहुत फेमस है और मैंने ऑर्डर कर दी है। हाँ हाँ, तू डर मत। बिल तो मैंने ही पे करना है, तू फटाफट प्लान बता चल। प्लान प्लान में थोड़े चेंजेस। पहले जो प्लान का हिस्सा मैं यहाँ एग्जीक्यूट करने वाला था ना, अब वो एग्जीक्यूट होगा तुम्हारी पिकनिक पर। पर गुल्लू मेरे को एक बात बता, तूने सुखी चाचू से परमिशन कैसे लेनी है? हाँ, तुझे आम खाने से मतलब है ये पेड़ गिनने से? गुल्लू ठीक कह रहा है पूजा, वो सुखे चाचू को मना लेगा। You girls get ready for the trip. Yay! एक मिनट, पहले मेरा पूरा प्लान तो सुन लो यार। देखो, तुम सारों को ना वहां पर एक दिन पहले पहुंच जाना है, और गुड्डी तूने वहां पहुंचकर मिक्की को फोन करके कहना है कि पूजा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, और वो सारा सारा दिन संजय गुलाटी के रूम में घुसी रहती है। वाओ, सिंपली ग्रेट। संजय गुलाटी और पूजा एक ही कमरे में अकेले। संजय गुलाटी का रेपुटेशन तो वैसे ही बहुत खराब है। आई एम श्योर मिकी को यह सुनके जबरदस्त झटका लगेगा। करेक्ट, गुड। और फिर मैंने वहां पर मिकी को लेके पहुंच जाना है। अरे हाँ, और हम सब ने मिलकर मिक्की को पूजा के लिए हाँ करवा देनी है। और ये तुम्हें पता चल ही गया है कि मिक्की के दिल में पूजा के लिए फीलिंग्स है। लेकिन गुड्डी तू याद रख, तूने बिल्कुल रो रो के मिक्की को फोन करना है। ऐसा लगना चाहिए जैसे तेरे को आने वाले बड़े खतरे का एहसास हो गया, इधर तू रोई और उधर मिक्की पिघला। क्या बात है गुल्लू, क्या बात है गुल्लू, क्या बात। लेकिन गुल्लू
मिक्की ने मुझसे पूछा कि सूर्या कौन है, फिर मैं क्या कहूंगी? तुम ये कहते ना कि मैं सीम का कजन ब्रदर हूँ, सिंपल। लेकिन सूर्या, मैंने मौका मिलते ही मिक्की को तुम्हारे और गुड्डी के बारे में बता देना है। पर गुल्लू, मिक्की को? देख गुड्डी, आने वाले वक्त में सारे घर वालों को समझाने के लिए मेरे को मिक्की के साथ की जरूरत पड़नी है। तू घबरा मत, कॉफी पीनी है कि नहीं? हाँ पीनी है ना। बेटा दिलजीत, गुड्डी ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मेरे को तो लगता है आपको ना वहम हो गया था। पता है, कल जब मैंने पाशो परजाई जी से इस बारे में बात की, उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा, हमारी गुड्डी हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, और आपसे, आपसे तो कभी नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कोई गलत फहमी हो गई है शायद। गुड्डी तू ना बिल्कुल यार, मेरी तो ना इस घर में कोई बात ही नहीं मानता है। मैं जो मर्जी कहता रहूं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है मेरी। देख यार गुड्डी, मैं तेरे को कह रहा हूं ना कि सुखे चाचू ने तेरे को परमिशन नहीं देनी है, तो फिर बात करके क्या फायदा? गुल्लू, पर मेरा ना बड़ा मन है, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, पूजा और सीम्स भी तो जा रही है ना। तू एक बात बता, वहां सब इतनी मस्ती करेंगे और मैंने अकेले ही सड़ना है। यार गुड्डी, तू बात समझ ही नहीं रही है। देख, सुखे चाचू ने तेरे को कॉलेज ट्रिप पर जाने की परमिशन हरगिज नहीं देनी है, और वो भी 2 दिन के लिए। तू तो जानती है ना तेरे पापा कितने बड़े वहमी है। मैं भी क्या कर सकता हूँ, कोई इंसान वहमी हो, शक्की हो, अपने बच्चों पर विश्वास ना करने वाला हो, तो उसका किया भी क्या जा सकता है? देख मेरी बहन, तू अपना मन मार ले, 2 दिन घर में सड़ ले, जितना मर्जी कुड़ना है कुड़ ले, बस ये कॉलेज ट्रिप पर जाने की बात अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि सुखे चाचू ने तेरे को अकेले जाने ही नहीं देना है। गुल्लू, पर मैंने अकेले कहाँ होना है? वहां पे ना सारे स्टूडेंट्स होंगे और प्रोफेसर सर भी तो होंगे ना, उन्होंने ना मेरा बड़ा ख्याल रखना है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। गुड्डी, मैं तेरी सारी बात समझता हूँ, पर तेरे खड़ूस बापू को तेरी किसी इमोशन की कदर ही नहीं है यार। मैं क्या करूँ यार, मैं मेरा बस चले ना गुड्डी, तो मैं तेरे को ट्रिप पर अभी जाने के लिए बोल दूँ, जा गुड्डी चली जा, अपनी जेब से पैसे निकाल के दू, लेकिन मैं क्या करूँ? बापू खड़ूस है, अपनी बेटी पे यकीन नहीं करता, उस पे भरोसा नहीं करता, अपनी गुड्डी के इमोशंस का ख्याल नहीं करता। अब कान खोल के ध्यान से सुन ले, गुड्डी ने कॉलेज टूर पे जाना है और 100% जाना है, तू रोक नहीं सकता। क्या सच्ची? सच्ची पुत्र जी। वेलकम पुत्र जी। सुनो, आपको नहीं लगता कि आपने गुड्डी को जो कॉलेज टूर पे भेजने का फैसला किया है वो थोड़ा जल्दबाजी में लिया है?
शायद तुम ठीक कह रही हो दिलजीत, पर मैं नहीं चाहता कि गुड्डी को ऐसा लगे कि उसके पापा को उस पर भरोसा नहीं। एक बात कहूं जी, ये जो बातें गुल्लू ने आपसे कही है ना, मुझे पूरा यकीन है कि जो भी उसने कहा है, आप शकी हो, आपको गुड्डी पे भरोसा नहीं है, ये सब जानबूझकर हमें सुनाने के लिए हमारे दरवाजे के बाहर खड़े रह के उसने कहा है। वैसे भी वो ड्रामेबाज तो है ही। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर दिलजीत मैं नहीं चाहता कि गुड्डी के दिल में ऐसी कोई भी ख्वाहिश रह जाए, कोई भी मन में घुटन रह जाए। और अगर गुल्लू ने ये गुड्डी की खुशी के लिए किया है, तो गुड्डी की खुशी के लिए तो उसका पापा कुछ भी कर सकता है। हाँ वो तो ठीक है, पर फिर भी जवान लड़की अकेली अजनबी शहर में। अरे अकेली कहाँ है, कॉलेज के और स्टूडेंट्स भी हैं ना साथ में, और फिर प्रोफेसर्स वगैरह सभी हैं लड़कियों का ध्यान रखने के लिए, है कि नहीं? नहीं वो सब तो ठीक है, पर फिर भी। दिलजीत, दिलजीत तू कैसी बात कर रही है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तेरी चिंता का सबब कॉलेज के स्टूअर्ड से तो है नहीं। मेरे को सही से ही बता बात क्या है। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, सच। वो तो जी पहली बार गुड्डी हमसे दूर जाएगी ना टूर के लिए, इसके लिए मेरे को थोड़ी चिंता हो रही थी, फिकर हो रही थी बस। तू एक कमाल करती है, मौके बेमौके हमेशा मुझसे कहती रहती है गुड्डी बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, अपना भला बुरा समझती है, और तू ये वैसी बातें कर रही है। दिलजीत तू एकदम ठीक कह रही है, गुड्डी बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, अपना भला बुरा समझती है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना उसे थोड़ी बहुत आजादी तो दी जाए। और वैसे भी ये हर जवान लड़की के माँ बाप का फर्ज ही नहीं, मजबूरी है। और अब ये गुड्डी को साबित करना है कि वो इस आजादी के लायक है या नहीं है। रात भर नहीं सो सकी गुल्लू, तेरे कहने पर मैंने पापा से झूठ तो बोल दिया है, पर अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तू एक काम कर, तू जा और सुखे चाचू को सब कुछ सच सच बोल दे कि कॉलेज का कोई टूर वूर नहीं जा रहा है, तू तो बस पूजा सिम्स और सूर्या के साथ बाहर जाना चाहती है, ठीक है? जा बोल दे। ये क्यों बोलूं मैं ये नहीं बोल सकती कि ये टूर ही कैंसिल हो गया, मुझसे ना तू बकवास मत कर ज्यादा। गुड्डी अगर तू इन सर्द हवाओं का सामना नहीं कर सकती तो तूने तूफान को कैसे झेलना है? हाँ ये सुखदेव चाचू को झूठ बोल के मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, ये सब कुछ कर रहा हूं तो तेरी
और सूर्या की खुशी के लिए। किस पावर में फंस गई हूं? एक तरफ सूर्या और एक तरफ पापा। मैं दोनों में से किसी को दुखी नहीं देख सकती, किसी को नहीं देख सकती। क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? ते गुड्डे, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब बड़ी अजीब बीमारियां हैं और इनका सिर्फ एक ही इलाज है, वक्त। किसी भी प्यार करने वाले को ये एहसास नहीं होता कि उसकी मंजिल कितनी दूर है या फिर उसे उसकी मंजिल मिलेगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है एकमात्र लक्ष्य लेकर। अगर सूर्या मुझे 1% भी खराब लगता ना, तो मैंने तुझे एक भी कदम उसकी ओर बढ़ाने नहीं देना था। जहां तक सुखे चाचू को झूठ बोलने वाली बात है, तो इसका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि तेरा काम भी हो जाए और सुखे चाचू को बुरा भी ना लगे। गुड्डी, अब अगर तू इस कदर तक सूर्य के प्यार में पागल हो गई है कि तू एक भी पल नहीं जी सकती, तो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर। मैं तो सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं यार, तू खुश रहे। तू अगर खुश है ना, किसी से भी लड़ लूंगा, चाहे कोई भी आ जाए। अरे क्यों ना हम अंताक्षरी खेले? अरे हाँ, अच्छा आइडिया है। सूर्य, अपना लास्ट वर्ड कौन सा था? हाँ। चल गुड्डी, हाँ से शुरू हो जा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ना, 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 ना,
ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, करना था इंतजार मगर इकरार तुम्हें से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे। और थे थे पे सीम्स गाएगी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, ये दिल दीवाना है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में गुड्डी खो जाए। हाय हाय, गुड्डी खो जाए, अंताक्षरी खेल रहे हो या अपनी आशिकी झाड़ रहे हो? नहीं यार पूजा, हम तो अंताक्षरी खेल रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो ये बीच बीच में जो नैन मटक का चल रहा है उसका क्या, तुम्हें क्या लगता है? हमें कुछ समझ में नहीं आता, पता है कितनी जलन होती है सीम्स को? हैं? सीम्स को? तुम्हें जलन होती है? ए, मेरे कंधे पर के बंदूक मत चला, तू ना अपनी बात कर। ना दिलजीत, मेरे को एक बात बता, तू गुड्डी कॉलेज के टूर पे जा रही है, सुखदेव ने उसे परमिशन भी दे दी है, फिर तू क्यों खाम खा परेशान हो रही है? वो परजाई जी, गुड्डी पहले कभी ऐसे टूर पे गई नहीं तो बस फिकर हो रही है। तू ना, मैं तो कहती हूँ तू ना बिल्कुल फिकर ना कर, देख वहाँ कॉलेज में ना वो अकेली थोड़ी जा रही है, वहाँ उसके साथ बच्चे होने हैं और उनका ख्याल रखने के लिए उनके प्रोफेसर भी तो होने हैं ना जी। अब परजाई जी, मेरे को ना और एक बात समझ में नहीं आ रही, ये गुल्लू को इनके परमिशन के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? बस कर दिलजीत, ये गुल्लू का नाटक करना कोई नई बात थोड़ी ना है, वो तो आए दिन कोई ना कोई नाटक करता ही रहता है ना। देख मैं तेरे को बताती हूँ क्या हुआ होना है, कॉलेज के टूर पे जाने के लिए गुड्डी का मन किया होना है ना, पर उसे डर होना है कि सुखदेव ने उसे बाहर नहीं जाने देना, फिर उसने गुल्लू से बात की होनी है ना, और गुल्लू तो गुड्डी की कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। बस इसीलिए दोनों भाई बहनों ने मिलके ये नाटक शुरू किया होना है। हाँ परजाई जी, अब ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हुआ होना है, गुल्लू ने गुड्डी को परमिशन दिलाने के लिए ये नाटक किया होना है। हाँ पर परजाई जी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये भाई बहन मिलके ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। दिलजीत तू ना बेवजह परेशान ना हुआ कर बस, अरे बच्चे हैं और शरारती हैं तो शरारते तो करेंगे ना, और ये खिचड़ी ना गुल्लू और गुड्डी के मन में नहीं पकड़ी, तेरे मन में पकड़ी है। और सोच सोच के ना खाम कहीं परेशान होती रहती है। चल अब चल के ना खाना खा ले वरना ठंडा हो जाना है, आ जा। बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में, आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी